हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का अगला टॉपिक दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि प्राकृतिक विभाजन और भौगोलिक विभाजन इसका अंतिम टॉपिक है। इसके पहले हम पूर्वी बदलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाट प्रदेश और छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके बारे में हम उल्लेख कर चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो पहले समझ लीजिए कि दंडकारण्य क्षेत्र को जनश्रुति के अनुसार दंडकारण्य क्यों कहा जाता है। किनके अनुसार? तो जनश्रुति के अनुसार, है ना। जब सीता हरण हुआ था तो राम उसने ढूंढने आए थे, जिसमें याद रखेंगे जब राम उन्हें ढूंढने आए थे तो उन्हें बहुत दंड सहने को पड़ा था, इसलिए दंडकारण्य क्षेत्र नाम पड़ा। कौन सा? छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र। यह जनश्रुति के अनुसार है। इसी में आपको दूसरा मिल जाएगा, इच्छावाकु, इनके एक पुत्र थे दंडकारण्य। दंडक एक पुत्र थे, इन्हीं के नाम पर ही दंडकारण्य पड़ा है। ये दोनों किनके अनुसार है? तो जनश्रुति के अनुसार है। यह हुआ जो दंडकारण्य क्षेत्र क्यों नाम पड़ा है उसके बारे में। अगला देखते हैं, आइए इनके सामान्य परिचय के बारे में कि आखिर इनके सामान्य परिचय में क्या है जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसके बारे में उल्लेख करते हैं। तो इसका विस्तार कहां पर है? तो बस्तर संभाग में। ये बस्तर संभाग आपका इस तरफ से कौन सा है? पूर्वी बघेलखंड का पठार। इस तरफ आपको मिलेगा सामरी पाट प्रदेश, जबकि मध्य वाला भाग मिलेगा छत्तीसगढ़ का मैदान, इसके बारे में हम देख चुके हैं। तो विस्तार हुआ बस्तर संभाग। कौन सा शैल समूह पाया जाता है? तो धारवाड़ शैल समूह। किस क्षेत्र में? तो बस्तर संभाग में, जिसे दंडकारण्य क्षेत्र के नाम से जानते हैं। ठीक है, धारवाड़ शैल समूह प्राप्त होता है तो खनिज कौन सी मिलती है? तो देखेंगे इस तरफ लोहा और टीन और हीरा, ये तीनों खनिज प्राप्त होते हैं, जिसमें लोहा है, टीन है और हीरा है, जो कहां प्राप्त होता है? तो दंडकारण्य क्षेत्र में। अगला देख लीजिए, इसका ढाल किस तरफ है? तो इसका ढाल है दक्षिण की तरफ। याद रखेंगे इसका जो ढाल है वह दक्षिण की तरफ है। कौन सा वन पाया जाता है दंडकारण्य क्षेत्र में? तो साल वनों का द्वीप पाया जाता है, अर्थात साल वन पाए जाते हैं, जिसके कारण साल वनों का द्वीप कहा जाता है। ऊंची चोटी में देखेंगे तो इसकी ऊंची चोटी है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1210 मीटर। विशेष क्या है नंदीराज में? यह छत्तीसगढ़ का सेकेंड ऊंची चोटी है। याद रखेंगे दक्षिण क्षेत्र का पहला ऊंची चोटी है, जो हाईएस्ट ऊंची चोटी है 1210 मीटर नंदीराज। अगला विशेष क्या है? तो जो दंडकारण्य क्षेत्र है उसे खनिजों की भूमि के नाम से जानते हैं। किस नाम से? खनिजों की भूमि के नाम से। अगला किस नाम से जानते हैं? तो जनजातियों की भूमि के नाम से जानते हैं। इसका उल्लेख हम कहाँ किए हैं? जब छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य पढ़ रहे थे तो जनजातियों के सामान्य परिचय में उसका उल्लेख किए थे। तो यह हुआ दंडकारण्य क्षेत्र का सामान्य परिचय। आइए देखते हैं दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में, उसके भौगोलिक और प्राकृतिक विभाजन के बारे में। पहला कांकेर जिला, उसके नीचे आपको मिलेगा नारायणपुर जिला, उसके नीचे है बीजापुर जिला, जस्ट उसके राइट साइड में है सुकमा जिला, उसके राइट साइड में है बस्तर जिला, उसके ऊपर में है कोंडागांव जिला और मध्य में है दंतेवाड़ा जिला। तो ये सात जिले आते हैं बस्तर संभाग के अंतर्गत। तो कांकेर में जिले में क्या क्या स्थित है? तो कांकेर जिले में स्थित है पहला रावघाट की पहाड़ी, लिखते जाइए आप साथ ही साथ, पहला रावघाट की पहाड़ी, दूसरा आर्य डोंगरी, तीसरा गड़िया पहाड़ी, तीनों लिख लीजिए। कौन से जिले में है? तो कांकेर जिले में है। आप पहले से मैप बनाकर रखा कीजिए, छत्तीसगढ़ के भूगोल में आपको प्रतिदिन मैप बनाकर रखना पड़ेगा, इसका आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, आपको साथ ही साथ नोट्स बनाना पड़ेगा। तो कांकेर जिले में लिख लीजिए रावगढ़ की पहाड़ी, आर्य डोंगरी और गड़िया पहाड़। उसके नीचे जो नारायणपुर है वहां पर लिख लीजिए अबूझमाड़ की पहाड़ी,
बीजापुर में लिख लीजिए अलबका की पहाड़ी, लिख लीजिए अलबका की पहाड़ी। सुकमा में आपको मिलेगा झीरम घाटी, जबकि बस्तर में प्राप्त होगा आपको दरभा घाटी। दंतेवाड़ा में लिख लीजिए बैलाडीला का पहाड़ी, लिख लिए। कोंडागांव में लिख लीजिए केशकाल घाटी या तेलीम घाटी, कौन से जिले में, कोंडागांव जिले में। तो ये हुआ कांकेर में रावघाट की पहाड़ी, अरीडोंगरी की पहाड़ी, गड़िया पहाड़ी। नारायणपुर में अबूझमाड़ की पहाड़ी, बीजापुर में अलबका की पहाड़ी, सुकमा में है झीरम घाटी, जबकि बस्तर में है दरभा घाटी। दंतेवाड़ा में क्या है, बालाडीला की पहाड़ी, जबकि कोंडागांव में है केशकाल घाटी या तेलीम घाटी। ये आपके डायरेक्ट वन डे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए नारायणपुर में स्थित अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में, उसके बारे में आगे बात करेंगे। विशेष क्या है अबूझमाड़ की पहाड़ी में, तो सबसे पहले इसका विस्तार देखिए। इसका विस्तार है एक बीजापुर जिले में, दूसरा नारायणपुर जिले में। दो जिले में विस्तार है अबूझमाड़ की पहाड़ी का, पहला बीजापुर जिला है, दूसरा नारायणपुर जिला है। ये इन दोनों इसका विस्तार हुआ। कौन सा वन पाया जाता है, तो याद रखेंगे ना, जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है वहां सौगन वन पाया जाता है, जबकि जो बस्तर संभाग का दंडकारण्य क्षेत्र है उसे साल वनों का द्वीप कहा जाता है, लेकिन अबूझमाड़ की पहाड़ी में सौगन वन पाया जाता है। इसी में देख लीजिए कौन सी घाटी पाई जाती है, तो खुरसेल की घाटी, याद रखेंगे खुरसेल घाटी पाया जाता है अबूझमाड़ की पहाड़ी में। जो अबूझमाड़ की पहाड़ी है उसमें अबूझमाड़िया क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का मासीराम या चेरापूंजी के नाम से जानते हैं, किसे, तो अबूझमाड़ को। जो इस क्षेत्र है उसे छत्तीसगढ़ का मासीराम या चेरापूंजी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है तो देखेंगे, क्योंकि बंगाल का जो शाखा होता है, जब आप भारत का भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे जो बंगाल की खाड़ी शाखा है और अरब शाखा है, दोनों तरफ से प्राप्त होती है छत्तीसगढ़ की अबूझमाड़ी को। इसके अलावा जो चेरापूंजी आपको मिलेगा, इन दोनों जगह में दोनों तरफ से वर्षा जब होती है तो सर्वाधिक जल प्राप्ति होती है। तो छत्तीसगढ़ में अबूझमाड़िया में प्राप्त होता है, जिसमें याद रखेंगे जो इसे छत्तीसगढ़ का मासीराम के नाम से जाना जाता है, और यहाँ सर्वाधिक वर्षा 187 सेंटीमीटर का होता है। ये हुआ अबूझमाड़ की पहाड़ी के बारे में, जिनके विशेष बातें हैं उनके बारे में। आइए देखते हैं आगे इसका, पहले केशकाल घाटी के बारे में। जो कहाँ स्थित है केशकाल की घाटी, वो है कोंडागांव जिले में। क्या विशेष है उसमें, तो देखेंगे यह एक जल विभाजक का कार्य करता है, जिसमें पहला तो ये कोंडागांव जिले में है, दूसरा जल विभाजक का कार्य करता है किन दो नदियों के बीच, एक महानदी नदी के बीच, दूसरा इंद्रावती नदी के बीच। जो महानदी भी नदी है वह दक्षिण की तरफ प्रवाहित होती रहती है, लेकिन इसी केशकाल घाटी के कारण वह उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगती है। लेकिन इंद्रावती नदी जो कि दक्षिण की ओर प्रवाहित होती रहती है, केशकाल घाटी के कारण दक्षिण की ओर प्रवाहित होने लगती है। तो याद रखेंगे महानदी पुनः उत्तर की ओर लौट जाती है और इंद्रावती नदी पुनः दक्षिण की ओर वापस लौट जाती है। तो जल विभाजक का कार्य केशकाल घाटी करता है किन दो नदियों के बीच, एक महानदी नदी और इंद्रावती नदी के बीच। अगला विशेष क्या है, तो केशकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जहां 12 घाटी स्थित है, जिसमें जो सातवें घाटी है उसे तेलीम घाटी के नाम से जानते हैं, जबकि आठवें घाटी को केशकाल घाटी के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं केशकाल घाटी। तो जो आठवें घाटी है उसे ही केशकाल घाटी कहते हैं। तेलीम घाटी में क्या विशेष है, तो यहाँ तेलीम माता का मंदिर स्थित है। खनिज की बात करें तो बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है। वन की बात करें तो साल वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, कहां, तो केशकाल घाटी में। अगला याद रखेंगे एक विशेष है जो एग्जाम में पूछे गए थे कि फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखेंगे जो केशकाल घाटी है उसे ही फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। यह हुआ इनके विशेष जो बातें हैं उनके बारे में। अगला लिखिए बैलाडीला की पहाड़ी, इसकी आकृति किस तरह है। जो बैला के टीला होता है
जो ऊपरी हिस्सा निकला हुआ रहता है बायला का, उसी प्रकार से बायला डीला की पहाड़ी का आकृति है। ऊंची चोटी कौन सा है? तो ये यहाँ ऊंची चोटी है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1210 मीटर। इसके बारे में क्या विशेष है? तो यह दक्षिणी क्षेत्र का पहला जबकि छत्तीसगढ़ का दूसरा ऊंची चोटी है नंदीराज, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर। कहाँ स्थित है? तो बायला डीला की पहाड़ी में। यहां से किस नदी का उद्गम होता है? तो याद रखेंगे शंकनी नदी का उद्गम स्थल है बायला डीला की पहाड़ी, जो शंकनी नदी है। इसके पानी का रंग देखेंगे तो लाल रंग का रहता है। किसके कारण? तो लौह जो अयस्क वहां प्राप्त होते हैं, इसके कारण जो शंकनी नदी है उसके रंग, जो पानी का रंग है वह लाल रंग का होता है। लोहा देख लीजिए, तो यहां जो बायला डीला की पहाड़ी है सर्वोच्च किस्म का लोहा प्राप्त होता है। कहां? तो बायला डीला की पहाड़ी में। याद रखेंगे यहां से विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। क्या निर्यात किया जाता है? तो सर्वोच्च किस्म के लोहा। अगला है अलबका की पहाड़ी। अलबका की पहाड़ी में क्या विशेष है? पहला तो यह बीजापुर जिला में स्थित है, दूसरा देखेंगे तो यहां जाटलूर घाटी स्थित है। कौन सी घाटी? जाटलूर घाटी, जहां से जाटलूर नदी का उद्गम होता है, जहां मगरमच्छ पाए जाते हैं। इसके अलावा मगरमच्छ कहां पाए जाते हैं? तो जांजगीर चांपा जिले के कोटी में सोनार में, यहां भी मगरमच्छ कहां? जाटलूर नदी में। गुफा कौन कौन सा है? एक नड्डापल्ली है, दूसरा आवापल्ली है। ये दोनों कहां स्थित है? तो अलबका की पहाड़ी जो बीजापुर में स्थित है। कौन सी गुफा है? नड्डापल्ली और आवापल्ली। कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो अलबका की पहाड़ी में सौगन वृक्ष पाया जाता है। याद रखेंगे अलबका की पहाड़ी में सौगन वृक्ष पाया जाता है, जबकि केसकाल घाटी में साल वृक्ष पाया जाता है। इन सभी को याद रखेंगे, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये हुआ अलबका की पहाड़ी के बारे में। अगला देख लीजिए रावघाट की पहाड़ी। कौन से जिले में है? तो कांकेर जिले में है। विशेष क्या है? तो यहां से भिलाई स्टील प्लांट जो BSP है उनको लौह अयस्क की आपूर्ति वर्तमान में की जाती है। पहले दल्ली राजहरा से उसकी आपूर्ति की जाती थी, लेकिन वर्तमान में रावघाट की पहाड़ी से भिलाई स्टील प्लांट को लौह अयस्क की आपूर्ति की जाती है। अगला है गड़िया पहाड़, जो कहां है? कांकेर जिला में स्थित है, जहां गड़िया महोत्सव आयोजित होता है। कहां? तो गड़िया पहाड़, जो कि कांकेर जिला में स्थित है। इसी में अगला है आरी डोंगरी। याद रखेंगे आरी जो डोंगरी है वो भी कांकेर जिला में स्थित है। कहां पर? तो भानु प्रताप जो तहसील है उस क्षेत्र के अंतर्गत आरी डोंगरी स्थित है। ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक दंडकारण्य क्षेत्र। इस तरह से हम छत्तीसगढ़ के भूगोल को पूरा अध्ययन कर लिए, जिसमें भौगोलिक अध्ययन और प्राकृतिक अध्ययन दोनों के बारे में देखे हैं। पहला हम पढ़े थे इस क्षेत्र का पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में, उसके बाद इस क्षेत्र में अध्ययन किए जसपुर सामरी पहाड़ प्रदेश के बारे में, बीच में हम पढ़े हैं छत्तीसगढ़ का मैदान के बारे में, जबकि नीचे में हम पढ़े आज पढ़ रहे हैं दंडकारण्य क्षेत्र के बारे में। तो चारों वीडियो आप देख लीजिएगा, यहां से आपको प्रत्येक एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।